मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का आज 18 नवंबर को जन्मदिन है। कमलनाथ अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वनवास को खत्म कर मुख्यमंत्री बने कमलनाथ के सियासी सफर पर हम आपको लेकर जाएंगे और आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को इन 11 महीनों में क्या क्या दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए कमाल सिर्फ कमलनाथ ही कर सकते थे। सिर्फ 7 महीने ही तो हुए थे, राहुल गांधी ने कांग्रेस को संभालने के लिए कमलनाथ को मध्य प्रदेश भेजा था। नतीजों ने बताया, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता से सत्ता छीन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। कमलनाथ कमल के फूल पर भारी पड़े। कमलनाथ की रणनीति सीधी थी, अपना घर संभालो और शिवराज को सीधे बोलो। कमलनाथ अरबों के मालिक हैं, यूपी के कानपुर में जन्मे हैं, लेकिन उनकी राजनीति का असर देखिए कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की पहचान खुद कमलनाथ ही हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ 9 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। सिर्फ 1996 में उनकी पत्नी के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ को नहीं चुना था। कमलनाथ के पास राजनीति का करीब 5 दशकों पुराना अनुभव है। इस दौरान उनकी राजनीति में उतार चढ़ाव भले ही आया हो, लेकिन गांधी परिवार से उनका रिश्ता जस का तस बना रहा। संजय गांधी, इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक, वह सबके खास हैं और खास बन। कमलनाथ ने संजय गांधी के साथ दून स्कूल में पढ़ाई की, फिर दोनों ने साथ में मारुति कार बनाने का सपना देखा। संजय गांधी से उनकी दोस्ती कितनी गाढ़ी थी, कुछ यूं समझिए कि इमरजेंसी के बाद के दिनों में संजय गांधी जब गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल में पहुंचे तो कोर्ट रूम में हंगामा कर कमलनाथ भी तिहाड़ हो आए थे। 1980 में जब पहली बार कमलनाथ को कांग्रेस का लोकसभा टिकट मिला तो इंदिरा गांधी उनका चुनाव प्रचार करने छिंदवाड़ा पहुंची और मंच से इंदिरा ने कहा था कि कमलनाथ उनके तीसरे बेटे हैं। उन दिनों यह भी नारा गूंजा था, इंदिरा गांधी के दो हाथ संजय गांधी और कमलनाथ। वहीं कमलनाथ आज एमपी में सोनिया और राहुल के दाहिने हाथ बन गए हैं। कमलनाथ के पास केंद्र में मंत्री पद संभालने का लंबा अनुभव है। सड़क परिवहन से लेकर शहरी विभाग, वाणिज्य और उद्योग जैसे मंत्रालयों को वह चला चुके हैं। कमलनाथ ने राजनीति में इतनी सफलता इसलिए हासिल की क्योंकि वह सबको साथ लेकर चल सकते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होते हैं और बढ़िया रणनीतिकार है। लेकिन कमलनाथ का एक और परिचय है, वह है उद्योगपति का। उनका कारोबार रियल एस्टेट, एविएशन और हॉस्पिटैलिटी से लेकर शिक्षा तक फैला हुआ है।
73 साल के कमलनाथ की अब तक की राजनीति में सिर्फ 1996 में हवाला कांड और 84 में सिख दंगों को लेकर उन पर दाग लगा। पंद्रह साल बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में जब कांग्रेस का वनवास खत्म हुआ तो पार्टी में एक बेचैनी भी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सत्ता पर बैठने के लिए कमलनाथ को चुनौती दे रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन दिल्ली दरबार में कमलनाथ को एमपी का नाथ बनाया गया। कमलनाथ की अगुवाई में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भी मुहर लगी। ऐसे में सिंधिया चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। चंद महीनों में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की राजनीति बदल दी। बीजेपी तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर यह तय मान रही थी कि उनके रहते बीजेपी का बाल भी बांका नहीं होगा, लेकिन कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाली और जुट गए रणनीति बनाने में। सबको संभाला और मध्य प्रदेश कांग्रेस के हाथ में आ गया। राजनीति के खेल में शाम दाम दंड भेद सब कुछ जायज है, और बात जब कमलनाथ जैसे पुराने राजनीतिक खिलाड़ी की हो तो क्या कहना। 2018 में विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले जब राहुल गांधी ने कमलनाथ को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया तो उस समय मध्य प्रदेश में शिवराज की तूती बोलती थी। उस वक्त बहुत कम लोगों को अंदाजा रहा होगा कि चौहान के कामों का हिसाब कमलनाथ चुकता कर पाएंगे। हालांकि इस पद के लिए दावेदार के रूप में उनके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, लेकिन मौके पर काम आई दिग्विजय सिंह के साथ उनकी पुरानी दोस्ती, जिन्होंने कमलनाथ के पक्ष में राहुल के सामने पैरवी की। कमलनाथ दिल्ली से जब भोपाल पहुंचे तो गुटों में बैठी कांग्रेस को एकता के धागों में पिरोया। कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह ही नहीं बल्कि अजय सिंह और अरुण यादव जैसे नेताओं को भी बांधे रखा। कमलनाथ एक बेहद अमीर उद्योगपति परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वे जनता से उस तरह से तो नहीं जुड़े जैसे शिवराज, लेकिन विनम्रता उनमें भी वैसी ही है और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की मदद करने में पीछे नहीं रहे। 1980 में अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनवाने में उनकी भूमिका रही, तो 1993 में भी दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनवाने में कमलनाथ ने अपना किरदार निभाया। जब पहली बार दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने तब अर्जुन सिंह सुभाष यादव को चाहते थे, लेकिन कमलनाथ का वीटो दिग्विजय के काम आया। 25 साल बाद वह पुरानी मदद अपना रंग दिखा गई। राज्य की राजनीति में थोड़े किनारे पर खड़े दिग्विजय भी कमलनाथ को एमपी की कुर्सी पर देखकर गदगद हो गए। मैं कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और चुप अंतकरण से निर्वहन करूंगा। बहुमत के आंकड़े से दूर रही कांग्रेस की सरकार को विपक्ष की धमकियों के बीच कमलनाथ ने यह बता दिया
की दूरदृष्टि और पक्का इरादा हो तो जनसेवक बनकर विकास की धारा बहाई जा सकती है। सकारात्मक सोच और विकास की दृष्टि के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी जैसे चुनौतीपूर्ण वचन को पूरा किया। अपने सियासी अनुभव के माध्यम से बहुत कम समय में ये साबित कर दिखाया है कि व्यवस्थाओं को सुधारा जाए तो मैग्निफिसेंट एमपी जैसे इवेंट में बड़े से बड़े निवेशक भी हिंदुस्तान के दिल से अपना दिल मिलाते हैं। व्यापार व्यवसाय को सुचारू गति देने के साथ साथ सीएम कमलनाथ ने रियल एस्टेट की नई नीति निर्धारित कर आर्थिक तंत्र को मजबूती देने की दिशा में जरूरी कदम उठाए। इसके साथ ही युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी कमलनाथ की शक्ति का संचार पूरे मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है। कहा जाता है कि देश के दिल मध्य प्रदेश में विकास का एक बड़ा अध्याय छिंदवाड़ा क्षेत्र में लिखा गया और अब पूरा प्रदेश विकास की सही दिशा में विस्तारित होने के लिए अग्रसर है। महज 11 महीनों के बहुआयामी प्रयासों का ही ये परिणाम है कि विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में भी प्रदेश में विकास की रफ्तार जारी है। सरकारी तंत्र पर मजबूत पकड़ और बेहतरीन निर्णायक क्षमता के धनी कमलनाथ के कदम ताल देखकर एमपी की जनता पर बदलाव के साथ राहत की मुस्कान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।